हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में रेजिडेंट ईविल 4 वी एडिशन पार्ट 9 का गेम प्ले करेंगे। ये इस गेम का पार्ट 9 है, तो गेम को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पिछले वाले पार्ट में तीसरे का दूसरा क्लियर हो चुका था, तो नेक्स्ट चैप्टर होगा तीसरे का तीसरा। तो गेम यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। अगर पिछले वाले पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं बाकी के पार्ट्स, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उनको ज़रूर देखना। वेलकम। तो यहाँ पर कुछ अपग्रेड कर लेते हैं। को बाद में लेंगे। What are you selling? Is that all? Thank you. पहले शॉटगन को यहाँ पर सेल कर देते हैं। Thank you. ये वाली फास्ट नहीं है इतनी। Is that all? Is that all, stranger? Thank you. What are you buying? Is that all, stranger? पेज केस को भी बड़ा कर लेते हैं। एल साइज हो गई है इसकी। ये वाली गन थोड़ी फास्ट है और इसकी पावर भी ज़्यादा है, हाई पावर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी के लिए फायर पावर मैंने अपग्रेड कर ली है। रिलोड कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर राइफल की गोलियाँ मिल गई है, पहले इसको रिलोड कर लेते हैं। निशाना चूक गया यहाँ पर। काफी ज्यादा भारी पड़ गया है। वो दूसरी बार मिस हुई है।
तो यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया था ये। ये एनिमी जो है ये ब्लाइंड है, इसको कुछ भी नहीं दिखता है, ये अंधा वार करता है बिल्कुल। अगर आप पास में खड़े रह जाते हो तो ये आपको कभी भी मार सकता है। इसको छोटी गन से मारना पड़ेगा। वो नीचे गिर गया था, एक बार में ख़त्म हो गया वो। यहाँ पर आपको फ्री में एक रॉकेट लॉन्चर मिल जाता है, इसको आप सेल भी कर सकते हो और काम में भी ले सकते हो। इस गन की जो फायर पावर है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई, इसलिए एनिमी काफ़ी जल्दी ख़त्म हो रहा है। धीरे धीरे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाता है गेम थोड़ा हार्ड होता जाता है। शॉटगन की यहाँ पर काफ़ी गोलियाँ मिल गई है। रॉकेट लॉन्चर यहाँ पर काम नहीं आई। एक्सेल के लिए 73,000 रुपीज़ की ज़रूरत है, लेकिन उसको बाद में कर लेंगे। एक एड स्प्रे ख़रीद लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वीडियो क्लिप है, तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो चुका है। यहाँ से सेव कर लेते हैं इसको।
यहाँ पर तीसरे का तीसरा चैप्टर कंप्लीट। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।